जिनेन्द्र, वेलकम टू कुक विद चेतना। आज हम बनाने जा रहे अलग अलग टाइप के पकोड़े, जो विदाउट बेसन के भी है और किसी में बेसन भी है। तो अब हम मेथी के क्रिस्पी पकोड़े बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले एक बाउल में ओनियन, जो पतले पतले स्लाइस कट करके ले लिए है, अब इसमें हम मेथी साफ करके कट करके ले ली थी, और हरा धनिया, और ये जो पोहे धो के भिगो के रखे थे, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। पहले हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, आपको जितना स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से ऐड करें, और टेस्ट अनुसार सॉल्ट। अब हम इसे पहले मिक्स कर लेंगे, फिर एक टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर, इससे पकोड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे, और एक कप बेसन, इनका हम अच्छे से मिक्स करके बेटर जाड़ा गाढ़ा ही रखे, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। जैसे वो प्याज के पकोड़े रहते हैं वैसे ही ये मेथी के पकोड़े बनेंगे, और खाने में एकदम कड़वे भी नहीं लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बच्चे भी आराम से खा लेंगे। तो इसे हम तेल में फ्राई करेंगे और मीडियम गैस पे इसे पकने देंगे। पहले ये देखिए एकदम गोल्डन कलर और क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इसे थोड़ी देर पलटेंगे और फिर निकाल लेंगे। रेडी है यम्मी टेस्टी और हेल्दी मेथी के क्रिस्पी पकोड़े। एकदम क्रंची भी है। अब हम मूंग दाल के पोटैटो के पकोड़े बनाएंगे। तो उसके लिए 2 कप मूंग दाल रात को भिगो के रखी थी, सुबह को आप इसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो इसे हम पानी में से निकाल लेंगे, और इसी में पालक के पत्ते धो के साफ करके ले लिए थे, वो इसमें लेके मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह की इसकी प्यूरी हो गई है। इसे आप बेसन की जगह मूंग दाल लिए है, और इसमें हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, ताकि पकोड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे। टेस्ट अनुसार सॉल्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, और अब इसे अच्छे से इसका बैटर बना लेंगे। बैटर मीडियम ही रखे, एकदम पतला ना करे। ये पोटैटो की हमने स्लाइस करके ले ली है। जिस तरह से आप पोटैटो के पकोड़े बनाते हैं बेसन में, वैसे ही ये मैंने मूंग दाल में बनाए हैं। तब हम इसे मूंग दाल में के इसमें डिप में डुबो के पकोड़े तैयार करेंगे। इसमें आपको सोडा वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तेल पिएगा। ये देखिए इस तरह से अब हम पोटैटो को इसमें डुबो के फ्राई करेंगे। ये भी एकदम क्रिस्पी और खाने में अच्छे लगते हैं, आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, झटपट बन जाते हैं ये, टाइम नहीं लगता है। और बच्चे भी अच्छे से टिफ़िन ख़त्म फिनिश करके आएंगे।
इसे हम मीडियम गैस पे पकाएंगे और बीच बीच में पलटते रहेंगे। ये देखिए एकदम क्रिस्पी लग रहे ना पोटैटो मूंगलेट पकोड़े। अब हम मूंग 2 कप जो रात को भिगो के रखा था अब पानी में से हमने इसने निकाल लिया है और ये ढेर सारी पालक धो के साफ करके कट करके ले लिए। तब हम मूंग को पहले मिक्सी में पीस लेंगे और फिर इसका जो पेस्ट है वो इसमें मिलाएंगे। हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और टेस्ट अनुसार सॉल्ट। और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब हम इस घोल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप बेसन 1 ऐसे 2 कप डाले हैं या फिर आप इसमें अगर आधा कप उड़द दाल लेंगे तो फिर बेसन की ज़रूरत ही नहीं है और उड़द दाल से और भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। और दूसरे हम पकोड़े चना, हरे चना आते हैं लीलवा बोलते, उसके पकोड़े बनाएंगे। तो उसके लिए बेसन 1 कप और ये ग्रीन चना लिया है, इसे भी हम मिक्सी में थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और इसमें भी 1 कप जितना कॉर्नफ्लोर और मसाले ऐड करेंगे और टेस्ट अनुसार सॉल्ट। और ये हरे चने भी इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। अब हम पहले वो पालक और उड़द मूंग दाल के बनाए थे वो फ्राई करेंगे। ये वाले पकोड़े भी बहुत अच्छे और टेस्टी लगते हैं, आप बच्चों को दे सकते हैं टिफ़िन में भी और सुबह को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी अच्छे लगते हैं चाय के साथ। क्रिस्पी मूंगलेट पकोड़ा। अब ये हरे चने के पकोड़े फ्राई करेंगे। उसे भी हम मीडियम गैस पे थोड़ा पकाएंगे ताकि बेसन अच्छे से पक जाए। रेडी है हरे चने के पकोड़े। अब हम उड़द दाल की मेंदू वड़ा, पालक मेंदू वड़ा पकोड़ा बनाएंगे। तो उसके लिए मैं उड़द दाल को मैंने रात को भिगो के रखी थी और मेथी के पत्ते को धो के साफ करके ले लिया था, सॉरी, और ग्रीन चिली। अब हम इसमें उड़द दाल मिक्सी में पीस लेंगे, इसी में हरी मिर्च अब इसे हम निकाल लेंगे। ये पकोड़े भी कड़वे नहीं लगते हैं और खाने में एकदम टेस्टी और अच्छे लगते हैं, बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे। ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया है। अब इसे हम पहले 2 मिनट इसे फेटेंगे ताकि ये बैटर फ्लफी हो जाएगा और पकोड़े भी एकदम सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। अब इसमें हम मेथी की भाजी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे।
और इसे मीडियम गैस पे पकाएंगे। इसे भी हम क्रिस्पी होने तक तलेंगे। ये देखिए क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसे हम तेल में से निकालेंगे टिश्यू पेपर पे। रेडी है मेथी मेंदू वड़ा पकोड़ा। इसे आप कोकोनट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।